इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस ए का होल क्यूब प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस बी का होल क्यूब। तो अब देखेंगे हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें एक चीज तो ये तो बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये वैल्यू मिनिमम है तो हमारा जो एक्स होगा वो बिटवीन ए टू बी होगा, ओके। क्योंकि अगर वो ए से बड़ा या छोटा हो गया तो उस केस में क्या होगा, वैल्यू बड़ी आ जाएगी। तो हमारा जो एक्स होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन ए होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए होगा और लेस देन और इक्वल टू बी होगा, इसमें ही होगा। अब देखते हैं एक्स की क्या स्पेसिफिक वैल्यू आती है हमारे पास में, देखते हैं। तो अगर ए एक्स क्या है हमारा ए से बी के बीच में, तो मोड कैसे ओपन होगा, एक्स माइनस ए तो प्लस के साथ ओपन हो जाएगा, फिर तो सिंपली आ जाएगा एक्स माइनस ए का होल क्यूब, फिर आएगा प्लस में एक्स माइनस बी का होल क्यूब। अब ये तो वैल्यू नेगेटिव होती है तो वैल्यू क्या जाएगी, इसे माइनस से ओपन करना पड़ेगा, तो आएगा बी माइनस एक्स का होल क्यूब। तो लेट्स से अगर ये मेरा एफ एक्स आ गया, अब तो एफ एक्स ही मुझे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बतानी है, ओपन करते हैं हम इसे। तो ओपन करने पे क्या आएगा वैल्यू, एफ एक्स इज इक्वल टू, ओपन करने पे क्या आएगा, एक्स माइनस ए का होल क्यूब कहता है एक्स क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर प्लस में आएगा थ्री ए स्क्वायर एक्स, फिर आएगा माइनस में ए क्यूब, फिर आएगा प्लस में बी क्यूब माइनस थ्री बी स्क्वायर एक्स, फिर आएगा प्लस में थ्री बी एक्स स्क्वायर, फिर आएगा माइनस में एक्स क्यूब। तो अब देखते हैं यहाँ से एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया आपस में, है ना। बाकी की वैल्यूज देखते हैं क्या है हमारे पास में। अब ये अगर मैक्सिमम है हमारा या मिनिमम है तो क्या होगा, एफ डैश एक्स जीरो हो जाएगा, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पे हमारा एफ डैश एक्स जीरो होता है। तो अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो अगर मैं चेक करूंगा तो ये वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू थ्री ए एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का सिक्स ए एक्स, फिर प्लस में थ्री ए स्क्वायर, फिर माइनस में सिक्स बी एक्स, फिर प्लस में सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस में थ्री बी स्क्वायर ही रहेगा, सॉरी माय फॉल्ट, ओके। यहाँ से आ गया माइनस में थ्री बी स्क्वायर, फिर आएगा प्लस में सिक्स बी एक्स, ये आ गया वैल्यू इक्वल टू जीरो। पूरी वैल्यू को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो एक्स की वैल्यू आएगी, यहाँ से मेरे पास में एक्स की वैल्यू आएगी थ्री बी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर अपॉन सिक्स, क्या आएगा सिक्स ए माइनस सिक्स बी। अगर क्या करूँगा थ्री से थ्री डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास में, ऊपर आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी सिंप्लीफाई होकर के, तो जो हमारे पास में वैल्यू आ जाती है यहाँ से क्या जाती है पूरा सिंप्लीफाई होने के बाद में, अरे यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, थ्री ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर होगा, नॉट थ्री बी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर, तो जगह थ्री ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर, और ये डिवाइड करने पर जो वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास में ए प्लस बी बाई टू के इक्वल। तो यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो एफ डैश एक्स है उस वो किस पे जीरो होगा, एक्स इज इक्वल टू ए बाई ए प्लस बी बाई टू पे। तो उस पॉइंट पे जो हमारा एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ गई अगर हम देखेंगे, तो वो आ जाएगी हमारे पास में ए प्लस बी बाई टू माइनस ए का होल क्यूब विच इज इक्वल टू बी बाई टू माइनस ए बाई टू का होल क्यूब। तो ये पूरी वैल्यू क्या जाएगी, बी माइनस ए का होल क्यूब बी माइनस ए बाई टू का होल क्यूब, फिर आएगा प्लस में अगेन बी माइनस ए बाई टू का होल क्यूब, और ये पूरी वैल्यू सिंप्लीफाई करके क्या जाएगी, इट इज इक्वल टू बी माइनस ए का होल क्यूब बाय फोर, क्योंकि एट और टू टाइम्स हो जाएगा तो क्या जाएगा बाय फोर। तो ये मिनिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी, इक्वल टू आ जाएगी दिस। अब यही अगर क्या बोलते हैं, किसी को लग रहा होगा कि यार ये मैक्सिमम भी तो हो सकता है, अगर मैं बाउंड्री कंडीशंस ए और बी पे चेक करूंगा तो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है ए माइनस बी का होल क्यूब, और हमें पता है ए माइनस बी का होल क्यूब इज ऑलवेज ग्रेटर देन, या बी माइनस ए का होल क्यूब इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी माइनस ए का होल क्यूब बाय फोर। तो ये हमारी मिनिमम वैल्यू आ गई।